हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टोनर के लिए यूज़ किया है हिमालय का ये वाला टोनर, रिफ्रेशिंग एंड हाइड्रेटिंग टोनर। एंड इसके बाद मैं ये आलमंड फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का। मैं कोई मॉइस्चराइज़र यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र की जगह पे ये गुड वाइब्स का आलमंड फेशियल ऑयल ही यूज़ करूँगी। एंड नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये लैक्मे एब्सोल्यूट कपलर परफेक्ट प्राइमर। ये मेरा फेवरेट प्राइमर है एंड ये काफ़ी अच्छा स्मूद बेस बना देता है आपके फाउंडेशन के लिए। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे NYBA का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत कम क्वांटिटी में फाउंडेशन ले रही हूँ एंड इस तरह के ब्रश की हेल्प से मैं पहले इसको पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड करोगे तो एक बहुत अच्छा नेचुरल सा फिनिश आता है। एंड इसके बाद मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, ये NYBA का वनीला पाउट लिप बाम है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कंसीलर NYBA का, ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है अफोर्डेबल प्राइस में। एंड इसको भी मैं अच्छे से डैम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एंड उसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट कर दूंगी। सेम पाउडर जो मैंने हाथ में लेके रखा है, कॉम्पैक्ट पाउडर मेबेलिन फिट मी, उसकी हेल्प से। एंड इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूंगी एक स्पूली एंड एंगुलर ब्रश की हेल्प से जो कि इसी आईब्रो किट में मुझे मिला था। एंड उसके बाद मैं कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रो के एजेस को क्लियर कर लूँगी एंड उसके बाद कंसीलर की हेल्प से ही मैंने अपने आई मेकअप के लिए बेस बनाया था। एंड इसके बाद मैं ये वाला आई शेडो लेके इस तरह का कलर लेके अपनी क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं ये ग्रीन कलर लूँगी, डार्क ग्रीन। सो मैं इसको अपनी क्रीज पे एंड आउट ऑफ वी पे मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। मैं आउट ऑफ वी पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं ये सेम स्टेप्स दोनों आईज में फॉलो करूँगी लाइक सो। एंड नेक्स्ट मैं ये वाला कलर लेके जो मेरी साड़ी के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है वो ये कलर लूँगी एंड इसको अपने लिड्स पे इस तरह से अप्लाई करूँगी। आउट ऑफ वी का एरिया छोड़ के मैं पूरी लिड्स पे इसको अप्लाई कर दूँगी इस तरह से। नेक्स्ट मैं जो मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे डार्क ग्रीन यूज़ किया था उससे अच्छे से इस कलर को ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखाए मेकअप पे। एंड उसके बाद मैं ये सिल्वर कलर लेके अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी एंड अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी इस तरह के स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं काजल के लिए यूज़ करूँ यहाँ पर लैक्मे का काजल। मैं इसको अपने अपर वाटर लाइन एंड अपने लोअर वाटर लाइन दोनों पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। एंड सेम काजल को मैं एज अ लाइनर भी यहाँ पे यूज़ करूँगी। मैं बहुत पतली सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी लाइनर की जगह पे काजल के साथ ही इस तरह से। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ग्रीन काजल यहाँ पे लूँगी एंड इसको अपने लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी लाइक सो, आप देख सकते हो। एंड जो मैंने अपना ट्रांजिशन शेड लिया था उसी को मैं इसी काजल के साथ नीचे थोड़ा स्मज कर दूँगी। उसके बाद मैं SFR का हाईलाइटर एंड काउंटर पैलेट लेके अपने फेस का थोड़ा सा काउंटर कर लूँगी। अपने हॉल ऑफ चीक्स का, फोरहेड का काउंटर कर लूँगी। ब्लश मैं यहाँ पे सेम पैलेट से अप्लाई कर रही हूँ।
एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने मेकअप को सेट कर दूंगी मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। एंड सेम पैलेट में इसमें हाईलाइटर पिक कर लूँ एंड इसको अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करूँगी लाइक सो, अपने टिप ऑफ द नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, फोरहेड पे, क्यूपिड बो पे एंड चिन पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी हाईलाइटर को। नेक्स्ट मैं ये डार्लिंग इज़ाबेला की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इस तरह का शेड है एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह यहाँ पे कर लूँगी जो भी टचअप है एंड ये है मेरा फाइनल लुक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and thanks for watching my video.